नाम योगेश है और दोस्तों मैं आज एक ऐसे पार्क में आया हूँ जिसका नाम वेस्ट विंटर पार्क, जो दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में है, जहाँ पर दुनिया के 7 अजूबे हैं। तो दिखाएंगे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, काफ़ी मजा आएगा, जिसे विंटर थीम पार्क भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जो समय होता है वो छोटे लोगों का आता है, जो समय होता है वो छोटे लोगों का आता है। अपन को दौड़ लाना है तो अपन को रिद्ध संकल्प के साथ मेहनत करनी है। जब अपना दौर आएगा तो अपनी महफिल होगी, पर अपनी हर चीज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ आपको कहाँ पर आना है। तो भाई जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो निजामुद्दीन है, ब्लॉक के गंगा विहार सराय खाले का, न्यू दिल्ली। सो गाइस इसकी लोकेशन, सो गाइस जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो हज़रत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। यदि आपको वेस्ट टू वंडर आना है, पिंक लाइन आती है। सो गाइस ये वेस्ट टू वंडर के बाहर पार्किंग जोन है। यहाँ पर यदि आपको गाड़ी पार्क करनी है तो 1 घंटे का 20 रुपये चार्ज है, ओनली 1 घंटा यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यदि आपकी 4-व्हीलर तो वहाँ पर 4-व्हीलर पार्क कर सकते हो। यदि यहाँ पर पार्क करते हो 1 घंटे का 40 रुपये है 4-व्हीलर का। सो गाइस ये पार्किंग जोन है कुछ ऐसा है यहाँ से वेस्ट टू वंडर में। सो गाइस विपिन भाई गए हैं टिकट लेने के लिए। हाँ भैया, सो गाइस 50 रुपीज़ पर पर्सन है यदि आप 13 साल से 65 वर्ष तक की आयु के हैं। सो गाइस देख सकते हैं हम कुछ ऐसी टिकट है वेस्ट वंडर पार्क की, हमने 2 लोगों के लिए 4 घंटे के लिए। तो भाई चलते हैं। एंट्री फीस से कुछ बोर्ड है, कुछ ऐसा सिस्टम है। यदि दोस्तों आप 12 साल से 65 साल के हैं तो आपके जो नॉर्मल डेज में ट्यूजडे से सैटरडे 50 रुपये फीस है, वही संडे के दिन आपकी डबल हो जाती है 100 रुपये। यदि आप 3 साल से 12 साल के हैं तो 25 रुपये नॉर्मल डेज में है और 50 रुपये संडे वाले दिन है। यदि दोस्तों आप ग्रुप में आते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो दोस्तों नॉर्मल डेज में 20 रुपये और 40 रुपये संडे वाले दिन। यदि दोस्तों निगम स्कूल के बच्चे, MCT के जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी फ्री एंट्री है। यदि 3 साल से कम बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं और 65 साल से अधिक के मतलब सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फ्री है और दोस्तों मंडे वाले दिन ये क्लोज रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा इंटरफेस है वेस्ट टू वंडर पार्क का। सो गाइस चलते हैं अंदर की ओर, राजीव गांधी स्मृति वन चलते हैं दोस्तों। सो गाइस यहाँ से कुछ एंट्री है, पहले आपको टिकट देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने टिकट दे दी और चलते अंदर की ओर। और ये हमारे विपिन भाई हैं। सो गाइस चलते हैं, यहाँ पर कार्य प्रगति पर चल रहा है और ये हमारे विपिन भाई है, कार्य प्रगति पर चल रहा है, चलते हैं दोस्तों आओ फिर। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों आओ फिर, चलते हैं। एंटर कर लिया अपन ने, देखते हैं पहला कौन सा वंडर है। दोस्तों अब देखिए अब नाइट व्यू, दिसंबर का समय चल रहा है, अब रात हो गई है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दोस्तों ये है जो मिस्र राष्ट्र से संबंधित है। आपको जल्दी जल्दी दिखाते जा रहे हैं दोस्तों, फिर समय हो रहा है, हमको जाना भी है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने शानदार ये छोटे छोटे मतलब बैठने के लिए छोटे छोटे हाउस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से अब यहाँ पर लाइट जलने लगी है, अब अच्छे लगने लगे। दोस्तों देखिए आप 7 अजूबे के रात का नाइट व्यू, अब इसमें लाइट जलने लगी है, आप देख सकते हैं कितना शानदार और अद्भुत लग रहा है। रात के समय काफ़ी ठीक ठाक लगता है दिन की तुलना में, और कितने सारे लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं, बढ़िया। देखिए दोस्तों आप, ये दोस्तों पीसा की झुकी मीनार है, आप देख सकते हैं, देखिए नाइट व्यू देख सकते हैं दोस्तों आप। सो गाइस देख सकते हैं आप एफिल टावर जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, नाइट व्यू कितना शानदार और अद्भुत लगने लगा है दिन की तुलना में। ये रियलिटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यदि आपको आना है तो बेस्ट टाइम टू विजिट नाइट, शाम के टाइम दोस्तों काफी ठीक ठाक लगता है। तो भाई चलते हैं, देखिए आप यहाँ पर जलने लगी है लाइट और कितना शानदार लगने लगा है, ये देख सकते हैं, ये है एफिल टावर। जल्दी जल्दी दिखा देते दोस्तों, तो
तो भाई आप देख सकते हैं कितना शानदार दृश्य है रात के समय। मैं अभी सभी लोग आए हुए हैं, देख कितने सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। कितना शानदार दृश्य है। अभी दोस्तों नाइट हो जाएगी तो फिर और शानदार लगेगा, ये देख सकते हैं आप। तो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, अब इसमें लाइटिंग जल गई तो कितना शानदार लग रहा है ये। देखिए आप ताजमहल, ताजमहल दोस्तों देखिए, रेडी मरियो कितना शानदार दृश्य है। अब इसमें लाइट जल रही है तो देख सकते हैं आप, इतने सारे लोग आए हुए हैं रात के टाइम, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं आप देख सकते हैं। देखिए आप कितना शानदार दृश्य दोस्तों। देखिए आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए, देख सकते हैं अब लाइट जल गई है, बढ़िया लगने लगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देख सकते हैं दोस्तों आप कितना शानदार दृश्य है। अब दोस्तों नाइट हो जाएगी तो और काफ़ी शानदार लगेगा, और आप देख सकते हैं कितनी कतारों में लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अब रात के टाइम सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। सो गाइस आपको दिखाते हैं अब नाइट व्यू फाउंटेन्स का, वाटरफॉल। चलते हैं दोस्तों ऑफ, अब देख सकते हैं कितना शानदार लगने लगा है रात के टाइम। अब अंधेरा होने ही वाला है लगभग लगभग, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों देखिए आप वाटरफॉल, देखो साथियों कितना शानदार लग रहा है। अब नाइट हो गई, अब इसमें लाइटिंग होने लगी, स्टार्ट हो गई है। दोस्तों देखिए आप गाइस, मैंने आपको सातों अजूबे दिखा दिए हैं। जो दोस्तों ये सात अजूबे थे उनमें 150 टन वेस्ट कचड़ा यूज़ हुआ था। कचड़े में दोस्तों इंजन था आपका, काफ़ी सारे मतलब कि व्हीकल्स के पार्ट थे, चेन था, साइकिल के रिम्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो भंगार के सामान में आती है। इसी के थीम पर इस पार्क का नाम बेस्ट वंडर रखा गया। और दोस्तों जो ये बेस्ट वंडर पार्क है, जिसे 7 वंडर्स पार्क भी कहते हैं, ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका जो परियोजना में जो पैसा लगा था वो 60.5 करोड़ रुपए लगा था, और ये 6 महीने के भीतर बनके तैयार हो गया था। और दोस्तों जो इसका निर्माण था वो 21 फरवरी 2019 को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हमको यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शानदार ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं और कैफ़े भी हैं। यदि आप आते हैं वेस्ट विंटर पार्क में विज़िट करते हैं, यदि आपको कुछ खाना है, ईट करना है, तो यहाँ पर शानदार रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा है यहाँ का कैंटीन जोन। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना, आप भी आइए। अब मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ बेस्ट टाइम टू विजिट नाइट में, काफ़ी शानदार समय 5 बजे के बाद यदि आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक लगता है दिन की तुलना में। यदि आपको आना है तो आप बस से भी आ सकते हैं, ISBT बस स्टैंड निजामुद्दीन दरी पास में है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिंक लाइन से आएँ मेट्रो स्टेशन से, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है। और यदि आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो व्हीकल से भी आ सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग की जगह है। तो गाइस आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।